तो इंडिया में तो आजकल एक चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है और वो है जेसीबी, यानी जेसीबी की खुदाई। जब हम बात करते हैं जेसीबी की खुदाई के बारे में यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो जाती है तो उसके बारे में कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स भी आते हैं, तो वही ओवरऑल रिलेटेड होता है जेसीबी। तो हम थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं, जेसीबी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, हेलो व्यूअर, दिस इज मोहित, यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे भी प्रोवाइड करती है वो बहुत सारे हैं, जिनमें आता है लोडर, एक्सकेवेटर, जो भी रोड खुदाई करते हैं, जो कॉम्पैक्टर होते हैं, चीज़ें जितने भी टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग इक्विपमेंट जैसे भी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और वैसे ही इक्विपमेंट्स और भी अदर कंपनी द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वो जेसीबी नाम उसको इसलिए बोलते हैं कि उस पर केवल जेसीबी नाम लिखा हो, लेकिन एक्चुअल जो इक्विपमेंट का नाम होता है वो ज़्यादातर किसी को भी पता नहीं रह जाता है। तो जो इस टाइप का इक्विपमेंट है जो जेसीबी प्रोवाइड करती है, इसको हम कहते हैं बैकहॉल लोडर। तो ये जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट को हम कहते हैं बैकहॉल लोडर। और ये जो वेबसाइट है जेसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप सारे जो इक्विपमेंट्स है उसकी डिटेल देख सकते हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बैकहॉल लोडर। जो हम नॉर्मली जो भी हम जेसीबी को देखते हैं वो जेसीबी इस टाइप की होती है, इसको हम कहते हैं बैकहॉल लोडर। यानी कोई सा भी मटेरियल हो उस मटेरियल को हम लोड करने में काम में आ जाता है। और ये दूसरी चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्टर। इसका एक मशीन होता है, आगे एक रोलर टाइप सा होता है और पीछे एक व्हीकल टाइप से होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पैक्टर। बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रोड के कंस्ट्रक्शन में अलग अलग लेयर्स बिछाई जाती है, और उन सभी लेयर्स को पर्टिकुलरली कम से कम 3 से 4 बार कॉम्पैक किया जाता है, अच्छी तरीके से कॉम्पैक किया जाता है ताकि उसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं रहे, तो उस चीज़ के लिए उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो उसी चीज़ में कॉम्पैक्टर जो है ये इक्विपमेंट काम में आता है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं WBM रोड का, यानी WBM रोड होती है वाटर बाउंड मैकडैम रोड, तो वाटर बाउंड मैकडैम रोड भी में भी हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसी चीज़ में कॉम्पैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कॉम्पैक्ट किया जाता है, रोलर चलाया जाता है, फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता है, फिर रोलर चलाया जाता है, ऐसे उसको पानी डाल कर उस पर यह कॉम्पैक्टर चला चला कर उस चीज़ को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास एक प्लेन और स्मूथ सरफेस प्राप्त हो। और जो लोडर होते हैं वो अर्थ की जो सोइल होती है उस सोइल को इधर से उधर ट्रांसफर करने में हम यूज में लेते हैं उन लोडर को। और इसके बाद जो इस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर भी अर्थ की सोइल को इधर से उधर ट्रांसफर करने में हम यूज में लिए जाते हैं, कहीं पर हमें ज़्यादा मात्रा में खुदाई करनी हो। ये जो लोडर है ये थोड़ी कम कैपेसिटी की मशीन है, उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सकेवेटर को देखते हैं तो ये उससे ज़्यादा कैपेबल मशीन है। इसके बाद आता है जनरेटर। जनरेटर भी सिंपली पावर सप्लाई के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद मिनी एक्सकेवेटर, ये भी अर्थ सोइल को इधर से उधर करने में ट्रांसफर करने में यूज़ में ली जाती है। और इसके अलावा ये होता है स्किड स्टील लोडर। इसके अलावा है सुपर लोडर। ये बैकहॉल लोडर और सुपर लोडर लगभग एक ही चीज़ होती है, इनकी जो वर्किंग होती है वो एक ही चीज़ होती है। और इसके अलावा ये है टेलीस्कोप हैंडलर्स। ये इसका काम ये रह जाता है कि जब भी हम, आपने देखा होगा कभी हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो सोइल होती है उसको इधर से उधर खिसकाने में, यानी रोड के ऊपर ही सरफेस के ऊपर इधर से उधर खिसकाने में जो है वो हैंडलर्स काम में लिए जाते हैं। और इसके बाद व्हील लोडर्स भी लगभग ये काम करते हैं। जो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जेसीबी द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको इसके प्राइस जाननी है तो यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट है, प्राइस का भी टैब है, तो आप यहाँ जाकर इसकी प्राइस भी जान सकते हैं कितनी है इसकी प्राइस। तो थोड़ा बात कर लेते हैं जेसीबी कंपनी के बारे में। तो जेसीबी कंपनी का इनोवेशन किया था 1945 में जोसेफ क्रील बैम्फोर्ट ने, और इसी बैम्फोर्ट ने जेसीबी कंपनी को आगे बढ़ाया था। तो जब 1979 में जेसीबी कंपनी जब इंडिया में ही, जेसीबी इंडिया लिमिटेड जब जेसीबी इंडिया में लॉन्च हुई, तो उसने सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लॉन्च किया था, वो था बैकहॉल लोडर, जो आजकल हम देखने को मिलते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इक्विपमेंट बताया था ऐसा बैकहॉल लोडर, तो ऐसा बैकहॉल लोडर उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो जब बाद में धीरे धीरे जेसीबी चलती गई, तो उसके बाद में उसने इंडिया में भी बहुत से इक्विपमेंट्स को इनोवेट किया, जैसे जो बैकहॉल लोडर से, इसके अलावा कॉम्पैक्टर से, जो भी स्टील लोडर से, एक्सकेवेटर से, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, बहुत से सारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, कॉम्पैक्टर, ये सभी जेसीबी इंडिया में लाए, और इंडिया में ये इक्विपमेंट्स फिर आगे चलते जाते हैं। तो अब तो जेसीबी ने ग्लोबली मार्केट बहुत सारे कवर किया है, टोटल 87 कंट्रीज में जो है वो जेसीबी का ग्लोबल मार्केट कवर है। तो अपने हेवी लाइन बिजनेस के लिए जेसीबी ने 2006 और 2007 में पुणे में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और जो जेसीबी का जो सबसे लार्जेस्ट डिजाइन सेंटर है वो भी पुणे में ही हुआ, विथ ओवर 400 इंजीनियर्स, इसमें 400 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं, और वहाँ ऐसे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स,
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रेड, ये सभी जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी डिजाइनिंग होती है वहाँ पर पुणे में, और जो इंडिया का है वहाँ पर सबसे लार्जेस्ट डिजाइन सेंटर है। तो ये थे मेन मेन चीज़ें जो जेसीबी कंपनी के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जेसीबी कंपनी के बारे में, लेकिन मुझे इस वीडियो में कवर करना था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बताना था कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप। ऐसे नहीं कि अगर बैकहो लोडर चल रहा है तो इसको भी हमने जेसीबी कह दिया, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ। अगर वो कॉम्पैक्टर भी चल रहा तो उसको भी हमने जेसीबी कह दिया। उन सभी इक्विपमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ से जुड़े हुए हैं तो मेक श्योर आपको सभी इन सभी इक्विपमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको नाम पता है नहीं है तो वापस इस वीडियो में जाइए, वो सभी नाम देखिए, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे इक्विपमेंट्स का, और वहाँ पर भी जब आप बहुत से इक्विपमेंट्स के नाम जान सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैसे हमारी आज के रिलेटिव लाइफ में कंस्ट्रक्शन को और ईजियर बना देते हैं। तो ये जो सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन इसलिए किया गया ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन को और ईजियर वे में बनाया जाए। जहाँ पर अगर कहीं 10 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक अगर मशीन से काम होता है तो वो बहुत ही ईजियर बात है। कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई चीज़ रहती है जिसको जो मैन पावर है वो बिल्कुल नहीं कर पाती या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम में कर पाती है, वहाँ पर यदि अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो तो वो और कम टाइम में कर दे या फिर उस मैन पावर की जो है वो बचत कर लें। तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन को ईजियर बनाते हैं इसी वजह से। तो जो मेन मेन इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है कि बैकहो लोडर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और भी आगे वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में बताता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में पता चले, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो हमेशा लेके आता रहूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।